टीम है, हम T20 वर्ल्ड कप पे राज करेंगे और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे। 9 जून को क्या होगा? अभी तो अभी ये बुला कार्ड यही हुआ है जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, इससे भी बदतर होगा। ओके, बहुत शुक्रिया गया। और देख ले फिर वर्ल्ड कप किसकी तरफ जा रहा है। ये छोटी टीम थी बांग्लादेश, अब कहीं नहीं गिनी जाती बांग्लादेश। टीम को वन साइडेड हरा कर, मतलब शुगल में वन साइडेड हराना, ये भी होता 120। बैटिंग लाइन बनाई, जिस तरह बॉलिंग दिखाई तो क्रेज ऑटोमेटिकली खड़ा हो गया। हर बंदे छपड़ी छपड़ी बोला गया, उसने फिर 3 छक्के लगाए पूरा स्टेडियम की। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद वापस आके परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात है। पांड्या को साबित कर दिया कि वो दुनिया के नंबर वन बॉलर हैं, चाहे वो हर्षदीप हो, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे फिर जितेंद्र चाहल हो, जो भी बॉलर आज संभल गया ना, आगे टीम इंडिया खड़ी। ऋषभ पंत के वाले से यार, ऋषभ पंत की आज जो हमने बैटिंग के बाद ज्यादा अच्छे होके आते हैं, आप देखें जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाद आया, उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म। हार्दिक आज अलार्मिंग सिचुएशन जो है अलर्ट कर दिया है दूसरी टीमों के लिए कि भाई हम जो है स्ट्रीक्स लगाएंगे, हमें कोई ऐसी टीम नहीं है जो हरा सके। हार्दिक पांड्या इंडिया के एक बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होने वाले और मैच फिनिशर है। बात करेंगे इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का मैच, आज मैच में क्या किया है सर? बांग्लादेश को मजाक में ले लिया इंडिया ने मैच में। अगर बात करें बैटिंग की, बात करें आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बात करें आउटस्टैंडिंग, क्या कहना चाहेंगे सर? सर बांग्लादेश को तो यूएसए ने पहले एक्सपोज कर दिया था, आज इंडिया तो वैसे शुगल मेले के लिए आया हुआ था, वैसे प्रैक्टिस करने आया हुआ था नासू का ग्राउंड पर, पाकिस्तान के खिलाफ मैच जो इसी ग्राउंड पर है, तो उन्होंने कहा कि भाई इनसे शुगल मेला लगा देते हैं, इनको वन साइडेड हरा देते हैं। और आज आपने देखा विराट कोहली नहीं था, जायसवाल नहीं था, वो होते और रोहित शर्मा, मतलब कह ले शुगल गेम ना होती और सीरियस होकर खेलते बांग्लादेश को ये 250 प्लस जो है टारगेट लगा सकते थे। और आज अगर बात करें यार, ऋषभ पंत ने जो इनिंग खेली है ना, कमाल मजा करा दिया, मतलब 53 रन की इनिंग खेली है और सिर्फ 32 गेंदों पर 170 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट था। उसके साथ साथ बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, मतलब 23 गेंदों पर 40 रन की उसने इनिंग खेली है। और यार ये देखो हार्दिक पांड्या आईपीएल में छपड़ी छपड़ी क्या कलवाता रहा, उसके बाद जीरो परफॉर्मेंस थी, लेकिन जैसे उसने नीली वर्दी पहनी उसने प्रूव कर दिया कि भाई हार्दिक पांड्या जब नीली वर्दी, जब इंडिया को कहने के रिप्रेजेंट करेगा, तब वो ऐसी परफॉर्मेंस देगा कि दुनिया याद रखेगी। और वो ऐसे ही दुनिया का नंबर वन ऑलराउंडर नहीं है। सर मुझे बताइए, आज आपने इंडिया ने सबको क्या मैसेज दिया कि यार डर जो सारी टीमें कि हम आ रहे हैं, हम मैदान में आ चुके हैं और जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सर आपको क्या लगता है 9 जून को क्या करेंगे सर बैटिंग के हवाले से? अब बॉलिंग में बात करें, शिवन दोबे 2 विकेट ले, हर्षदीप 2 विकेट ले, पांड्या 1 विकेट लेके, ऑलराउंडर्स की बात करें पटेल अपनी विकेट क्या कहें सर, उनके बॉलर भी बड़ा अच्छा आज परफॉर्म कर रहे हैं। सर इंडिया ने आज अलार्मिंग सिचुएशन जो है अलर्ट कर दिया है दूसरी टीमों के लिए कि भाई हम जो है स्ट्रीक्स लगाएंगे, हमें कोई ऐसी टीम नहीं है जो हरा सके, चाहे हम शुगल में खेलें या सीरियस ओवर खेलें, दुनिया में कोई ऐसी टीम है ही नहीं जो वर्ल्ड कप में हमें हरा सके, ऐसी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। शिवम दुबे की बात करें तो यार आज जो बॉलिंग करी, मतलब 3 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किया, और जसप्रीत बुमराह को तो रोहित शर्मा एंड पर 2 ओवर थे उसने फिर भी विकेट निकाल ली। यार बॉलिंग साइड से लोग कह रहे थे कि इनकी बॉलिंग लाइनअप जो थोड़ी बहुत कमजोर है, लेकिन भाई उन्होंने साबित कर दिया कि वो दुनिया के नंबर वन बॉलर हैं, चाहे वो हर्षदीप हो, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे फिर जितेंद्र चाहल हो, जो भी बॉलर आज है वो उनका मतलब कह ले कि नंबर वन बॉलर है। और आज जो है कह ले कि इंडिया ने साबित कर दिया है कि भाई आज पहला मैच हमने विन किया, T20 वर्ल्ड कप में ऐसी कोई टीम नहीं है जो हमें हरा सके और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे छीन सके। अलर्ट कर दिया सारी टीमों को। एग्जैक्टली भाई, पहले मैच में बांग्लादेश जैसी टीम को वन साइडेड हरा कर, मतलब शुगल में वन साइडेड हराना, ये भी होता 120 पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए 20 ओवर में। और देखो मतलब कह लेके मजे से खेल रहे थे, कभी शिवम दुबे को ओवर दिए जा रहे, मैं तो कहता हूँ विराट होते तो वो सारे 5-4 ओवर करा, किंग तो है नहीं, जायसवाल भी नहीं है, यही बात है ना, यही बात है। अगर वो खेलते और सीरियस टीम होकर खेलती तो इनसे तो कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं होना था, इन्होंने 5 खिलाड़ी आउट कर दिए। मैं इनको क्रेडिट देना चाहूंगा कि आपने इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट कर दिए, वरना आपसे जो जायसवाल और रोहित शर्मा का प्यार है उन्होंने कभी आउट ही नहीं होना था। अच्छा सर मुझे अलार्मिंग सिचुएशन अलर्ट कर दिया भाई टीमों के लिए कि आप खबरदार हो जाओ, हम आ रहे हैं, हमें कोई ऐसी टीम नहीं है जो हरा सके, हम दुनिया की नंबर वन टीम है, हम T20 वर्ल्ड कप पे राज करेंगे और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे किसी का बाप भी नहीं छीन सकता। 9 जून को क्या होगा? और डेफिनेटली वन साइडेड, जिस तरह आज वन साइडेड हुआ, इससे भी बुरी शिकायत होनी है पाकिस्तान को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का वार्म अप मैच में तबाही कर दिया इंडिया, क्या कहना चाहेंगे, क्या करने जाएंगे सर? अभी तो उन्होंने ट्रेलर दिखाया, कि फिल्म कब दिखाएंगे पूरी फिल्म? यार वो आप जाओ ना यूएसए, आपको दिखाएंगे फिल्म, आपको थोड़ी दिखानी है फिल्म, जो दिखाएंगे यूएसए को फिल्म, वो दिखाएंगे पाकिस्तान टीम को 9 जून को फिल्म, वो दिखाएंगे आयरलैंड को। जितना आउटस्टैंडिंग उन्होंने आज मैच जीता ना, उन्होंने सारी टीमों को आगाह कर दिया कि भाई जान डर जाए, हम लोगों ने ग्राउंड में कदम रख दिया। हर्षदीप की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग, आप भी कहे ना कि क्या कहते हैं बॉलिंग में जो है वो डाला, स्प्रिंग डाला हुआ है, खुली स्विंग हो रही है। आज हर्षदीप ने क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, क्या ऋषभ पंत ने बैटिंग की है, क्या पांड्या ने पिक्चर तुम चेंज हो गए थे सर पिक्चर आता है, ये उनसे पूछे ना जो ट्रोलर था, ये उनसे पूछेंगे भजन ये अब भी कोई पीछे चेंज है, अब तो यूएसए की पीछे है जहाँ पर इंडिया का कंसर्न ही नहीं है, जहाँ पे सिर्फ खेलना है। यार आउटस्टैंडिंग देख के मजा आया टीम इंडिया को, यही टीम इंडिया से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे,
अब टीमों को जो पैगाम है ना वो ये है कि भजन संभल गया ना, आगे टीम इंडिया खड़ी। ऋषभ पंत के हवाले से यार, ऋषभ पंत की आज जो हमने बैटिंग देखी है मजा आ गया। जिस तरह उन्होंने आईपीएल में जो परफॉर्मेंस दी, इतने अरसे बाद इंजरी के बाद आईपीएल में परफॉर्मेंस दी, अब मुझे लग नहीं रहा था कि यार ये परफॉर्मेंस करेंगे। T20 में आगे ने वार्म अप मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस। ऋषभ पंत का मैं कहूंगा ग्रेटेस्ट कमबैक एवर, मतलब कि उसने जैसे मेरे ख्याल से वनडे आया था आज, वनडे आया था संजू सैमसन और रोहित शर्मा के बाद, और आगे 50-54 किया उसने, अभी आउट नहीं हुआ, रिटायर्ड हर्ट हुआ था, ठीक है ना। तो आप ये देख लें कि उस बंदे के अंदर पोटेंशियल कितनी आए। तो सूर्य कुमार यादव बना हुआ था, वो शॉट मार रहा था तो देख भी नहीं रहा था कि शॉट की जा किधर को रहा। यार पंत को देख के जो मजा आया ना, मतलब दिल ही खुशी हुई है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद वापस आके परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात। पांड्या को रोहित पांड्या को मुंबई इंडिया में ट्रोल किया छपरी के नाम से, पांड्या ने भी अब अपना कम बैक किया। क्या कहेंगे सर, पांड्या ने तो एक ओवर में छक्का लगा दिया पूरी दुनिया को, जाना तीन छक्के लगाए, मैं एक ओवर में तीन छक्के, सबके मुंह बंद करा दिया। पांड्या बड़े टूर्नामेंट का बड़ा प्लेयर है, ये बात उसने हमें हर दफा प्रूफ करके दिखाई है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो। अभी तो विराट कोहली नहीं खेल रहा था, वरना विराट कोहली के साथ पांड्या की पार्टनरशिप जो लगती है वो तो दुनिया का कोई बॉलर आउट नहीं कर सकता उनको। तो जायसवाल भी नहीं थे, जायसवाल भी बड़ा प्लेयर है ना, उसने भी कहा यार मुझे रेस्ट दो, मैं बड़े मैचों में ही खेलूंगा। संजू सैमसन को उन्होंने चार दिया, वो नहीं चल सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा प्लेयर है। लेकिन मैच देखकर जो मजा आया ना, जो तबाही उतरी आज, ये बांग्लादेश का मजाक तो नहीं, मजाक ही किया, छोटी टीम थी बांग्लादेश, अब कहीं नहीं गिनी जाती। बांग्लादेश सीरीज हारी है यूएसए, तो बांग्लादेश अब कहीं नहीं गिनी जाती। बांग्लादेश सिर्फ ना नाम का टूर्नामेंट खेलने जाती है, शुगल करके टाइम पास करके एंजॉय करके वापस आए थे। क्या ऑस्ट्रेलिया का हाल करेंगे इस दौर इंडिया, क्या पाकिस्तान, ये तो आप प्रेडिक्शन जो है ना नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इंडिया से बच के रहना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को भी और पाकिस्तान को भी। 9 जून को क्या होगा, ये भी मैं कह रहा हूँ कि प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ये भी जो है ना ये है कि इंडिया से बच के रहे, यही कह रहा हूँ बार बार। अच्छा, बार बार कह के पूरी टीमें, पूरी दुनिया की टीमें बच के रहे, क्योंकि इंडिया ने 9 जून से नहीं 29 जून तक जो है फाइनल तक अपना जो है ना रास्ता साफ करना है। ओके बोचला सर, आप फर्स्ट वार्म अप मैच हुआ और वार्म अप मैच में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच, आप देख सकते हैं कि वही स्क्वाड ले गए हैं, रोहित शर्मा ने अगर नहीं चले तो ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव, फिर पांडे आगे, क्या कहेंगे ऋषभ पंत की सर, बहुत खुशी हुई है कि इतने अरसे बाद कम बैक, आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया है और इस बार जो T20 में वार्म अप मैच पर अच्छा परफॉर्म, क्या कहेंगे ऋषभ पंत के वाले यार। देखिए आई नोट वार्म अप मैच था, कोई ज्यादा इतना बड़ा क्रेज नहीं था, लेकिन जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग लाइन बनाई, जिस तरह बॉलिंग दिखाई, तो क्रेज ऑटोमेटिकली खड़ा हो गया। हर बंदा बात करे कि इंडिया की इतनी स्ट्रांग बैटिंग, ऋषभ पंत स्पेशली बात करनी होगी यार, ऋषभ पंत इतने अरसे बाद आया, रिटायर्ड हर्ड हुआ है वो 53 रन पे, अगर वो चाहता तो सेंचुरी भी लगा सकता। ऋषभ पंत यार मतलब कि वो बंदा इतनी तकलीफ़ों में गया, इतनी मुसीबतों में गया, उसके बाद आता है और वही फॉर्म, बल्कि उससे बढ़कर यार। इंडियन बैटर का एक चीज़ है, या इंडियन जितने प्लेयर हैं वो इंजरी के बाद ज़्यादा अच्छे होकर आते हैं। आप देखें जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाद आया, उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म, हार्दिक पांड्या इंजरी के बाद उससे ज़्यादा परफॉर्म, और ऋषभ पंत भी एक्सीडेंट के बाद इतने अरसे के ब्रेक के बाद दोबारा आया और इतनी अच्छी फॉर्म। यार मैं कहता हूँ यार पता नहीं इनके अंदर है क्या, क्रिकेट का इतना क्रेज़ है, इतना जज्बा है। और यहाँ पे रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को अप्रिशिएट करना होगा यार, वो बंदा जिस तरह उसने टीम को मेंटेन किया हुआ है, और इसी ग्राउंड में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होना है, इंडिया वर्सेस यूएसए भी होना है, और इसी ग्राउंड में इंडिया ने सारी टीमों को दफन करना है। मुझे सर बताया, अगर बाद के छपरी छपरी कहते थे पांड्या अपना कम बैक किया और एक ही ओवर में 3 छक्के मारे हैं, उन्होंने बता दिया कि कोई छपरी छपे अपना कम बैक कर लिया है, क्या कहेंगे अगर बॉलिंग में बात है, बॉलिंग में अपना जलवा दिखाया, बैटिंग में जलवा दिखा दिया। यार हार्दिक पांड्या इंडिया का एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, नोडल प्लेयर पे ऊंच नीच आती रहती है, फैंस नाराज भी होते हैं अपने मुंबई इंडिया की वजह से, हाँ होते रहते हैं, लेकिन जब नीली जर्सी पहनते हैं तो ये बूस्ट अप हो जाते हैं, जब वो नेशनल ड्यूटी के लिए उतरते हैं तो फिर ये एज अ टीम वर्क करते हैं, एज अ कॉम के लिए खेलने वाले प्लेयर होते हैं। और जिस तरह आज हार्दिक पांड्या ने स्टार्ट दिया, जिस तरह ने उसने आके अपना फॉर्म दिखाई, 3 छक्के लगाए, विकेट ली, तो वहाँ से पता चलता है कि हार्दिक पांड्या इंडिया का एक बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होने वाला है और मैच फिनिशर है। अर्शदीप सिंह का क्या करेंगे, वो भी आते ही उन्होंने कमाल के 2 विकेट आते ही फिर पीछे के रह गए, सराज में क्या अपनी मैं भी विकेट ले लूँ, फिर पटेल भी आ गए उनके ऑलराउंडर, फिर पांड्या भी ऑलराउंडर, क्या कहेंगे सर, ऑलराउंडर स्पिनर भी चल रहे हैं, स्पिनर जलवा दिखा रहे, फास्ट बॉलर भी जलवा दिखा रहे। यार देखिए इंडिया की पहले होया करती थी बैटिंग लाइन, कहते थे बैटिंग के सर पर इंडिया जो है वो दूसरी टीमों को हराते, लेकिन अब जो है वो इंडिया की बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, इंडिया हर लिहाज से परफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। इंडिया की बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग ईच एंड एवरीथिंग इज़ बेटर। इंडिया अब किसी भी टीम को किसी भी वक्त हरा सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, कोई भी टीम हो, अब इंडिया के सामने नहीं टिक सकती। हाँ किस्मत की बात है, अगर कोई हार जाए, इंडिया अपनी फॉर्म में बहुत बेहतर हो चुका है, उन्होंने फॉर्म बहुत ज़्यादा बरकरार रखी हुई है। 9 जून को क्या होगा, अभी तो अभी बुला नौकर यही हुआ है जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, इससे भी बेहतर होगा। ओके बहुत शुक्रिया। वार्म अप मैच, फर्स्ट वार्म अप मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच, जिस तरह हम बात करेंगे
बैटिंग में बात करने जरा बैटिंग के अंदर हम बात करेंगे सर, ऋषभ पंत जो इतने अरसे बाद आए, एक मेन इंजरी के बाद उन्होंने आईपीएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अगर बात करें यहाँ पे ऋषभ पंत ने इस मैच में भी T20 जो वार्म अप मैच में आप सेंचुरी करे, क्या कहना चाहेंगे? 4 चौके 4 छक्के भी मार गए हैं। ऋषभ पंत एक अनबिलीवेबल तरीके से वापस आया, इंजरी काफ़ी इंजरी थी, एक्सीडेंट था, जो उनके फैन थे वो काफ़ी म्यूज थे कि इतना अच्छा प्लेयर अब शायद क्रिकेट ना खेल सके। जैसे उसने आईपीएल में कप्तानी दोबारा ज्वाइन की है और काफ़ी अच्छी उसने 50s लगाई हैं, बैकअप शॉट लगाई है काफ़ी, और ये बहुत इंडिया के लिए हुशाइन बात है कि वो इंडिया की टीम में वापस आया और इंडिया की टीम की ग्रिप उसने मजबूत की है। मुझे भाई हम बात करें पांड्या की, हार्दिक पांड्या की हमने बात, मुंबई इंडियंस में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, तो आज देखे उन लोगों ने वहाँ पे ट्रोल किया, छपड़ी छपड़ी के नाम से ट्रोल की, मगर पांड्या ने एक ही ओवर में 3 छक्के मारी और बता दिया कि ये पांड्या का कमबैक हो चुका है। इसी तरह हार्दिक पांड्या को आईपीएल में काफ़ी ट्रोल किया गया, वो कह रहे थे कि रोहित शर्मा को कप्तान होना चाहिए, इसे किसे कैसे आपने कप्तान बना दिया। रोहित शर्मा जो है हार्दिक पांड्या, एक वो एटीट्यूड वाला ना पर्सन है, उसे पांड्या जो है पांड्या वो जो भी उसे कोई गिल्टी फील करवाता है ना, वो उसे अग्रेशन दिखा के उसे बैकअप करता है। जैसे आप कह रहे हैं उसे छपड़ी छपड़ी बोला गया, उसने फिर 3 छक्के लगाए, पूरा स्टेडियम की उसने वॉइस बंद की है ना, वो पहले आईपीएल में छपड़ी छपड़ी उनको छपड़ी छपड़ी कह रहे थे, और वो फेस करता है और फेस करके वो काम करके दिखाता है। उसने जैसे 3 छक्के लगा के जो उसे छपड़ी छपड़ी कह रहे थे जवाब दिया। सर मुझे बताएं हम बात करें रोहित शर्मा की कप्तानी में, ये आज मैच पहला वार्म अप मैच हुआ है, क्या कहें रोहित शर्मा कप्तानी में तो सब परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो बॉलिंग में अर्शदीप सिंह ने आते ही 2 विकेटें ले ली पहले ओवर में, दूसरे ओवर में फिर आगे सराज सराज ने भी विकेट ली, क्या कहेंगे सर ये बंदे ने आते तबाही कर दी उन्होंने? बिल्कुल इसी तरह अर्शदीप सिंह ने, अर्शदीप आया बॉलिंग की है, उसने अच्छी विकेटें ली हैं, काफ़ी पेस से उसने बॉल किया है, इसी तरह उनका बॉलिंग लाइन काफ़ी हैवी है, जिस तरह मोहम्मद सिराज है वो शॉर्ट बॉल करता है, उसका कद भी हाइट भी उसकी अच्छी है और बॉलिंग लेंथ उसकी, वो भी विकेटें ले गया सर, वो भी विकेटें ले गया, और देख लें फिर वर्ल्ड कप किसकी तरफ जा रहा है। अच्छा 9 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, आपको क्या लगता है इतनी टफ टीम लेके जा रहे हैं ऋषभ पंत की, जैसे हम ऋषभ पंत को कहते थे आजम खान के साथ कंपेयर कर, मगर आजम खान साहब ने तो हमें ट्रोल, आजम खान साहब ने तो 0 परफॉर्मेंस दी, ऋषभ पंत की आपको देखते इतने अरसे बाद इंजरी भी हुई, फिटनेस की बात करें तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, क्या कहेंगे आजम खान पे हम कंपैरिजन करते हैं, मगर ऋषभ पंत ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया सबके। नहीं नहीं आजम खान और ऋषभ पंत का कोई कंपेयर नहीं है, देखें आप आजम खान तो अभी आया है, उसकी ना फिटनेस है, परफॉर्मेंस उसकी लीग में ही होती है, PSL में और लीग में, इंटरनेशनल टीम में उसकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता ऋषभ पंत से। 9 जून को क्या होने जा रहा है? 9 जून को इंडिया वर्सेज पाकिस्तान है, और मुझे उम्मीद है कि मैच काफी टफ होगा, पर मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ही जीते। अच्छा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं आप? पाकिस्तान के कारण, क्योंकि ओके पाकिस्तान।